इधर भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में सुरक्षा गार्ड के साथ लूटपाट करने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों ने गार्ड को समय पूछने के बहाने रोका था और चाकू मारकर मोबाइल फोन और कुछ पैसे छीनकर फरार हो गए थे। घटना उस समय हुई थी जब गार्ड अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। एडिशनल एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपियों के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। अशोका गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया में MGM स्कूल के सामने अंधेरे में रात्रि लगभग 12:30 बजे जो लूट की घटना चाकू मार के लूट की घटना हुई थी उसके तीनों ही आरोपी पकड़ लिए गए हैं। ये आरोपीगण सुभाष कॉलोनी के रहने वाले हैं। जब गार्ड रात्रि में 12:15 बजे लौट रहा था तो उसका मोबाइल छीना, उसकी तलाशी लेने का प्रयास किया तो उसमें विरोध किया जिस पर से इनके द्वारा चाकू मारा गया था। घटना में प्रयुक्त तो चाकू, लूटा गया मोबाइल और 950 रुपये सभी बरामद हो गए हैं। तीनों ही आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं। आगे की इनसे पूछताछ की जा रही है।